ये नज़ारा ना तो पहला है ना ही आखिरी। जयपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा की तस्वीरें आई हैं, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपको बता दें कि रोडवेज के इंतजाम नाकाफी साबित हुए, लेकिन 2 लाख परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और अब ऐसे में इनके लिए व्यवस्थाएं बड़ी जरूरी, क्योंकि सेंटर सबके अलग अलग जगहों पर गए हैं। जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा की कई तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए क्या इंतजाम किए गए, बसों में किस प्रकार से लदकर ये लोग जा रहे हैं, खिड़कियों पर टंगे हुए, छतों पर लदे हुए, बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी। ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये रोडवेज के इंतजाम है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आज बेरोजगारों का ये हाल है अपने देश में और ये तस्वीरें जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा बहुत जगहों से आई हैं, कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये रोडवेज की बस यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई थी उसका क्या हाल है, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। हमारे दोस्त सहयोगी कनेक्ट हो गए, बात करेंगे। अजय ओझा हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से कनेक्ट हैं और जयपुर से हमारे सहयोगी काशीराम कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काशीराम, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस प्रकार की परीक्षा और ये बड़ी परीक्षा और इस परीक्षा में जाने के लिए जो इंतजाम किए गए वो तो नाकाफी साबित हो रहे हैं, ये किस प्रकार का इंतजाम रहा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? जी देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। हाँ। खासतौर पर चूंकि रोडवेज बसों की संख्या कम है, रोडवेज प्रशासन के पास पर्याप्त बसें नहीं है। हाँ। और इससे जो परीक्षा है इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है, ऐसे में इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर की रोडवेज बसों में जगह नहीं मिल रही इन अभ्यर्थियों को, और परीक्षा के लिए चूंकि आना जरूरी है, रोडवेज प्रशासन की तरफ से निःशुल्क यात्रा के आदेश जारी किए गए हैं, इन बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त संख्या में बसें नहीं मिल रही हैं। रोडवेज प्रशासन ने दावा किया था कि उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे, अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाएगा, लेकिन कई जगहों से जैसे तस्वीरें आ रही है, जयपुर से भी है, भरतपुर से भी है, बांसवाड़ा से भी है, तो उन जगहों पर यात्रियों को जो अभ्यर्थी हैं उनको पर्याप्त सीट नहीं मिल पा रही, यहाँ तक कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है बसों में, और इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनको लटक करके यात्रा करनी पड़ रही है, बसों की छतों पर सवार होकर के यात्रा करनी पड़ रही है। और जैसा कि तस्वीरों में देखे भी जा सकते हैं कि अभ्यर्थी बसों की जो खिड़कियां हैं उनके अंदर से भी प्रवेश करते हुए, ये तो काशीराम में तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कई जगहों से तो खबरें ऐसी आई कि मारपीट हो गई है, बच्चों के सर फाड़ दिए हैं इन चालकों पर, चालकों ने, इस प्रकार की स्थिति भी बिगड़ी। भरतपुर की खबर हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई, देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े तो उन्होंने बताया कि क्या वाकया वहां पर पेश आया, तो ये मिसमैनेजमेंट कहें इसको या फिर कारण कुछ और रहा? काशीराम, देखिए रोडवेज प्रशासन को इसके लिए पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ एक समन्वय कर मीटिंग करनी चाहिए थी और ये अंदाजा लगाना चाहिए था कि किस जगह से कितने अभ्यर्थी आने वाले हैं, तो उसी अनुरूप उस शहर से उतनी संख्या में बसें चलाई जाती, लेकिन इसका एक प्रॉपर अंदाजा नहीं लगाया गया और इसके चलते यही गड़बड़ी हुई है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पर्याप्त बसें नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी जगहों से ऐसी दिक्कतें सामने आ रही हैं, अलवर है, भरतपुर है, वहाँ की तस्वीर तो है, कई और अन्य जिलों में भी जब अभ्यर्थियों को बसें नहीं मिली तो निश्चित रूप से वो जो कर्मचारी हैं, जो परिचालक हैं, उनके साथ झगड़ा करेंगे, परिचालक उन्हें बस में बैठने से रोकते हैं तो उस स्थिति में झगड़े की नौबत हो जाती है। बिल्कुल, ये आप तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा सवाल है। काशीराम आप बने रहिएगा, अजय भी हमारे सहयोगी कनेक्ट है बांसवाड़ा से। अजय, बांसवाड़ा से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर हम दिखा रहे लगातार, ये स्थिति आखिर क्यों बनी? जी बिल्कुल, बांसवाड़ा जनजातीय अंचल कहा जाता है और यहाँ से जो सीईटी के अभ्यर्थी करीबन 20,000 से अधिक अभ्यर्थी है जो परीक्षा देने के लिए इनको जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर जाना है। प्रदेश में 3 जिलों में सेंटर आए हैं, जिस कारण से कल से ही रोडवेज बस स्टैंड पर करीबन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सुबह से पहुंचे थे। रोडवेज प्रशासन को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इतने अभ्यर्थी आ जाएंगे, इस कारण से रोडवेज बसों में बैठने के लिए धक्का मुक्की भी कल से हुई थी। ये स्थिति आज भी जारी है क्योंकि आज भी बड़ी संख्या में जितने भी अभ्यर्थी है जिनका कल परीक्षा है
वो भी आज बड़ी संख्या में रोडवेज बस स्टेशन पे मौजूद है, क्योंकि बसों की संख्या कम होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है और पुलिस को भी वहाँ रोडवेज बस स्टैंड पर लगाना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है, भीड़ को काबू करने के लिए, क्योंकि रोडवेज बस पे 45 से 50 सवारियां ही बैठाई जा सकती है। बाकी बांसवाड़ा जिले में कल से लेकर आज तक हर रोडवेज बस में 80 से 100 अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा जैसे डूंगरपुर, उदयपुर और जयपुर भेजा जा रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टर ने खुद ने रोडवेज प्रबंधन से बात की है और साथ में पुलिस बल भी तैनात किया है। सभी अभ्यर्थी जो भी है उनको कतारबंद खड़ा करके जैसे जैसे रोडवेज प्रबंधन के पास बसें आ रही है उनमें बिठाकर उनको उनके स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब अजय, अगर एक बात यहाँ से जो तस्वीरें आपने दिखाई बताई, अगर पहले से व्यवस्थाएं कर ली जाती है तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल, अगर पहले से रोडवेज प्रशासन अगर अलर्ट होता, उन्होंने अन्य विभागों से चर्चा करके इस पूरी स्थिति को भाप लिया होता तो ये स्थिति बिगड़ती नहीं। वो पहले से बसों का इंतजाम कर लेते और पता है भीड़ आनी है तो भीड़ को कैसे काबू करना उसके भी इंतजाम किए जा सकते थे, पर रोडवेज प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं था और अचानक से भीड़ आना इसलिए पूरी स्थिति बिगड़ गई। बिगड़ने के कारण कई अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा, कई जितनी महिलाएं थी अपने बच्चों के साथ आई थी परीक्षा देने जा रही थी उनको भी घंटों बसों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो क्या इसमें जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे थे परीक्षार्थी, क्या पहुंच पाए सभी या रह गए कई इन सब चक्करों में? देखिए, कल जो यहाँ बांसवाड़ा जिले से जिनका आज जो पेपर था वो कल निकले थे। कल रोडवेज बसों की कम से कम 30 से 35 बसें रवाना हुई, उसमें अभ्यर्थी बैठे, कुछ अभ्यर्थी रह गए थे उन्होंने निजी वाहनों का सहारा लिया, निजी ट्रेवल्स का सहारा लिया और अपने इस परीक्षा देने के लिए जाना था इसलिए उन्होंने निजी वाहनों का भी सहारा लिया, क्योंकि रोडवेज बसें का इतना इंतजाम नहीं था जिस कारण से कुछ अभ्यर्थी जो थे वो रोडवेज बसों का उपयोग में नहीं ले पाए, उनको निजी बस स्टैंड निजी ट्रेवल्स का सहारा लेना पड़ा और खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा क्योंकि अभ्यर्थियों को जो रोडवेज बस स्टैंड में कल की बात करें कल सुबह 6 बजे से आकर अभ्यर्थी बैठ गए थे क्योंकि हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो बसों में जगह मिल जाएगी, पर 6 बजे खड़े रहने वाले व्यक्ति को भी 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ा तब जाके उनको बसों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है देश का कि आज ये स्थिति बनी रहती है। तब पता है कितनी बड़ी परीक्षा है और 2 लाख के आसपास की संख्या है तो उसी हिसाब से निजाम करने चाहिए, नहीं तो फिर बसों का किराया फ्री मत करिए, आपने फ्री कर दिया उसके बाद में स्थिति ये बिगड़ी। बहुत शुक्रिया काशीराम आपका जुड़ने के लिए, अजय आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए। सिटी की परीक्षा के लिए हजारों युवा सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते नजर आए, बसों में भर भर कर जाने की कोशिश करते दिखाई दे। देखिए क्या सिचुएशन रही, जयपुर भरतपुर बांसवाड़ा की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं।